हेलो एवरीवन, यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट नंबर सीरीज. इन नंबर सीरीज वी हैव डन विद द सम बेसिक रूल्स लाइक व्हाट वी कैन डू व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द नंबर सीरीज क्वेश्चन. इन नंबर सीरीज वी सी द सम बेसिक रूल्स लाइक दैट कि हम सबसे पहले एडिशन करते हैं किसी सब्जेक्ट में. अगर कोई भी सीरीज अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम उस कंडीशन में हम वी आर फॉलो द रूल्स ऑफ एडिशन. सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी पोजिशन में होता है. मल्टीप्लीकेशन जब मतलब सीरीज जब मतलब बेसिकली इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब 2, 8, 19, 28, 40 इस सेंस में. डिवीजन रूल भी करते हैं तो ये भी मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन है सेम, मतलब हल्का सा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पर डिवीजन में. मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा डिवीजन रूल पर. कल मैं आपको ओड नंबर भी बताया था, आज मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा रहा हूँ उस चीज़ को जो मैं कल पढ़ाया था आपको. इवन नंबर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्राइम नंबर भी कराऊंगा, स्क्वायर मैंने आपसे कल कहा था 140 तक स्क्वायर नंबर याद करने के लिए, और क्यूब 120 तक. अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास से मैं इसे लिख के आपको दे दूँगा, आप इसे याद कर लेना. तो कल क्वेश्चन में कल हमने क्वेश्चन किया था, 10 क्वेश्चन कल हमने किया था, ठीक है. तो आज हम कल हमारा लेवल 1 था, आज हम लेवल 2 पे जाएंगे. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा आज. सो वी शुड स्टार्ट. आज का लेक्चर सेकंड है ये, और इसमें लेवल सेकंड यहाँ पर होगा बेसिकली. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है 28, 25, 21, 18, 5 और 14. तो इसमें हम क्या दिमाग लगा सकते हैं? 25 और 3 ये तो ठीक है, ये मतलब ये 5, ये 21 और 18, ये 3. अच्छा तो ये मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा है कि 28 और 25 के बीच में 3 का गैप हो रहा है, ठीक है, फिर 5 आ जा रहा है, फिर 3 का गैप हो रहा है, फिर 5 आ जा रहा है. अच्छा तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 14 के बाद क्या आएगा जो कि 3 का गैप हो, तो बेसिकली 11 होना चाहिए. तो 3 का गैप है तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5. तो 11 5 कोई है? 11 5 यहाँ पर, यस 11 5 यहाँ पर मौजूद है. तो आंसर 11 5 होगा. तो हम इसमें अगर एडिशन वगैरह हम करेंगे या मतलब अगर हम इसमें ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो हमारा आंसर आना मुश्किल है. तो यहाँ पर हमने हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम कर सकते हैं. बेसिकली हमें अपने थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चन को, थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है. तो हमारा आंसर आ गया 11 और 5. तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 11 एंड 5. दूसरा देखते हैं, 40, 96, 1024, 256. क्वेश्चन मार्क है 16 है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 है. तो अब इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं बेसिकली, कैसे ये आप देख रहे हैं, ये मतलब बेसिकली ये गैप पे तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये एडिशन मुश्किल है, सब्ट्रैक्शन ही मुश्किल है. हाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट लेकिन मल्टीप्लिकेशन मतलब बेसिकली वो इस सेंस में हो सकता है अगर हमने 4 चौके 16 तो फिर उस हिसाब से लें. नहीं नहीं, यहाँ पर हमें डिविजिबली रूट अगर हम यहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा जो मैं आपको बताया था बेसिकली डिविजिबली रूल, डिविजन रूल. तो हम यहाँ पर डिविजन ये देखिए, ये डिविजन रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमने 4096 से 1024 कैसे बन सकता है अगर इसे हम डिवाइड कर दें 4 से. यस डेफिनेटली मतलब ये मतलब 1024 आ जाएगा. 256 को अगर हम दो अगर हम 1024 को अगर हम डिवाइड करेंगे 256 से, इट मीन्स कि यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 256 आ जाएगा. 1024 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बेसिकली तो ये 256 आ जाएगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या है कि 256 में 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आना चाहिए? 256 में अगर हमने 4 से डिवाइड डिवीज़न लगाया 4 से 24,
एक और छः तो क्या 24, मतलब 4 चौके 16, तो ये कैंसिल हो गया 64। अच्छा इसका पता क्या, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, 64 आंसर होना चाहिए। और हम इसको 64 तो आ गया, ऑप्शन में 64 भी है। अब इससे हम आगे हम नेक्स्ट स्टेप और चेक करेंगे, क्या ये जो बेसिकली जो सीरीज चल रहा है ये सही है या नहीं है। 64 को कितने से डिवाइड करेंगे कि 16 आ जाए। हाँ मतलब अगर हम 16 4 में, अगर हम 4 का डिवाइड अगर हम करते हैं तो 16 आ जाता है, और 4 और 16 में 4 का डिवाइड करते हैं यस 4 आ जाता है। इसका मतलब हमारा जो मेथड था वो सही था और हमारा आंसर हो गया 64। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमें वी शुड यूज़ अवर माइंड। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं, 12 13 25 38, क्वेश्चन मार्क्स 101 164। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं बेसिकली, ये कैसे बढ़ रहा है ये। अगर हम इसे अगर ऐसे देखें तो 12 और 13, तो 1 13 और 12, तो मतलब 12, उस सेंस मतलब नहीं हो पा रहा, मतलब ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है आप इस पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ के हमारे पास थर्ड नंबर आ जा रहा है, 12 प्लस 13 इसक्वल टू 25, 25 13 प्लस 25 इसक्वल टू 38, और 25 प्लस 38 इसक्वल टू 8 5 13 3 हासिल 1 4 2 6 63। इसमें 63 है ऑप्शन, 63, तो इसमें ऑप्शन में 63 है, यस ऑप्शन में 63 है। तो अभी हम इसे और अभी हम आगे और चेक करेंगे, अगर ये 63 हो गया तो 63 में मतलब इसमें 38 में अगर हम 63 जोड़ेंगे तो क्या 101 आ रहा है, यस डेफिनेटली 67 और 37 100 और 0 101, क्या 1063 प्लस 101 क्या 164 आ रहा है, यस 164। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो 164, तो इसका मतलब कि जो हमारा मेथड था वो मतलब बेसिकली सही था। तो आंसर क्या बेसिकली हो गया, आंसर हो गया 63। तो ऑप्शन 63 है, देखिए ऑप्शन काफ़ी करीब करीब है, 64 भी है, 63 भी है, 62 भी है और 61 भी है। तो आंसर क्या होगा, 63 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 720 720, 360, 120, 30, 6। अच्छा क्वेश्चन है, आप सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे आप इसको कर सकते हैं बेसिकली। 1 मिनट का पॉज करिएगा, उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन को आप क्या सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को इशारा करता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं कि मतलब 720 से 720, 720 से 360 नंबर, मतलब ये तो मतलब गैप पर भी हो सकता है बेसिकली, बट लेकिन गैप एक यहाँ पर 360, यहाँ पर 100 240, मतलब ये कुछ मतलब बन नहीं पा रहे हैं, तो हम ये मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएंगे। 720 720, 360, 120, 30 और 6। तो हम इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, एक चीज़ हम देख पा रहे हैं अच्छे से, मैंने आपको अभी डिविजिबिलिटी रूल बताया था बेसिकली, तो ये उसी वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। आप देखेंगे 720 में से कितना भाग करेंगे 720 हो जाए, अगर इसको हम एक से भाग करेंगे, 720 को एक से भाग करेंगे तो 720 आ जाएगा, 720 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 को अगर हमने 5 से भाग किया तो 6 आ गया, 6 को अगर हमने 6 से भाग किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। मैं अगर आपको इसको दोबारा इस क्वेश्चन को समझा बेसिकली आपको समझा देता हूँ, इस 720 में हमने 720 में हमने 1 का भाग किया तो 720 आ गया, इस 720 में हमने दोबारा से हमने भाग किया 2 से तो 360 आ गया, इस 360 में हमने 3 से भाग किया 120 आ गया, इस 120 में हमने 4 से भाग किया तो 30 आ गया,
इस 30 में हमने 5 से भाग किया तो 6 आ गया, और 6 को हमने 6 से भाग किया तो 1 आ गया। इसी क्वेश्चन था, और दिमाग वाला क्वेश्चन था बेसिकली। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क्स 40। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देख पा रहे होंगे या फिर आप सोचेंगे एक का गैप हो गया है, फिर ये 3 का है, फिर आप देखेंगे 6 का है, और यहाँ कितना होना चाहिए पता नहीं है। तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? यहाँ 1 है, 3 है, 6 है, तो हम इसमें क्या बेसिकली हम ब्रेन यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इसके अंदर। एक, 3, 6, तो बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि इसका गैप देखें, तो इसका गैप कितना हो जाएगा? 1 और 3 का 2, 3 और 3 का 3, क्या अगला 4 होगा क्या? 6 4 10, 6 4 10, तो इसका अंदर 25 होगा। यस, इट मे बी पॉसिबल कि ऑप्शन 25 है, ऑप्शन में 25 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट गैप हो गया और ये सेकंड गैप, तो हमारा आंसर सेकंड गैप में जाके आया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 25 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, 2, 3, 8, 27, 112 क्वेश्चन मार्क्स। आप इसको कैसे कर पाएंगे बताइए? 2 है, 3 है, 8 है, 27 है, 112 है। इसको हम अगर दो, तीन, आठ, 27, 112, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मार्क्स होगा? क्वेश्चन मार्क्स है, तो हम अगर एक देखें तो ये 1 है, 1 का गैप है यहाँ पर, और 3 के बाद आप देख पा रहे हैं तो ये 5 का, और ये 19 का, मतलब कुछ बन नहीं पा रहा है बात हमारा। तो इस मेथड से तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसको हम एक अलग मेथड से करें तो क्या हो पाएगा? यस डेफिनेटली, एक क्वेश्चन में हमें बहुत तरह का सोचना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मतलब डिफरेंट एंगल पे हमको क्वेश्चन को हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम एक चीज़ देखें, 2 को 1 से गुना करके 1 जोड़ें तो कितना होगा? 2 × 2 = 3, तो अगला आ गया, ठीक है। और हम 3 को अगर हम 1 से गुना करें, सॉरी 3 को 2 से गुना करें प्लस 2 जोड़ दें, तो जिससे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और वही नंबर हम जोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जा रहा है। 8 को अगर हम 3 से गुना करें प्लस 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। 27 को अगर हमने 4 से गुना किया और 4 जोड़ दिया तो हमारे पास 112 आ गया। 112 को अगर हमने 5 से गुना किया और 5 जोड़ दिया तो 565 आ गया। क्या ऑप्शन में 565 है हमारे पास? यस डेफिनेटली, 565 हमारे ऑप्शन में मौजूद है, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 2, 10, 26, 50, 82 नेक्स्ट नंबर। अब इसमें क्या देख पा रहे हैं बेसिकली? ये 8, ये 16, ये 24 और ये 32। यस, तो 8, आप हमें यहाँ पे मतलब कि 8 का टेबल है, 8 16, 8 16 8 से 24, 8 से 32, 8 5 40। यस डेफिनेटली, यहाँ पे 40 होगा, हमने 82 में 40 जोड़े कितना होगा? 122 की ऑप्शन में 122 है। यस ऑप्शन 122 है, ईजी क्वेश्चन था ये, आंसर 122 हो गया, इसका आंसर हो गया 122, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम, 3, 10, 29, 66, 127 क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा क्वेश्चन है ये,
सोचने वाला क्वेश्चन है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, क्या इसे हम गैप से बना सकते हैं सात, ये बेसिकली आपको 10 19 और ये मतलब 30 37, तो मतलब 7 से मतलब ये 12 का गैप, ये 19 और 37 मतलब 17 18 का गैप। हाँ मतलब कुछ तो बन रहा है, देखते हैं आगे। और इसका कितना गैप है, 66 से 127, तो मतलब 34 और 27 कितना हो गया, 61, 34 और 27 या 61, ये 61 है गैप हो गया। 37 और 61 में कितना का हो गया, 13 और 11 24, 24। उसके बाद अगर हम देखें तो 12 सब में 6 जुड़ रहा है, यहाँ पर यहाँ भी 6 जुड़ रहा है, यहाँ अगर 6 जो उतना जाएगा 30 हो जाएगा बेसिकली। और अगर हमने 61 में अगर 30 जोड़ा तो यहाँ पर 91 हो जाएगा, और 91 में अगर हमने 127 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 9 दो 11 के खाँसी लेकर 218, 218 218 हमारे ऑप्शन में है क्या, डेफिनेटली 218 हमारे ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा 218 है। तो इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, एक फेज़ वन हमने यहाँ पर किया, मतलब ये डबल डिफरेंशिएट में हम इसको लेके आ पाए इसके आंसर को, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से यूज़ कर सकते हैं जो कि इजी है, हमें यही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। हम एक चीज़ देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, ये तीन क्या, तीन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2, 8 को 8 प्लस 2, 29 को 27 प्लस 2, और हम 66 को 64 प्लस 2, और 127 को 125 प्लस 2। हमारे माइंड में अगर हमें ये पता हो कि अगर हम इसे हम बेसिकली क्यूब में हम इसको ला सकते हैं, जिससे कि बेसिकली आप देखेंगे तो ये 1 का क्यूब प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ये 2 का क्यूब प्लस 2 हो गया, तो ये 3 का क्यूब, 3 3 27 प्लस 2 29 हो गया, ये 4 का क्यूब, 4 को और आप 4 का क्यूब देखें कितना हो जाएगा, 64 प्लस 2 66, ये 5 का क्यूब कितना होगा बेसिकली, 125 प्लस 2 127, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 2 218। मैं आपसे कल भी कहा था कि अगर आपको क्यूब रूट याद होगा तो आप इसलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था, ये भी एक मेथड यूज़ हो सकता है, ये इजी मेथड है, बाकी ये भी इजी है बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं बेसिकली हम, 61 52 63 94। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, सिक्सटी वन फिफ्टी टू सिक्सटी थ्री 94, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें हमें क्या पाना, बेसिकली हमें इसे पता करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बेसिकली हमें ये बेसिकली फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन, आप थोड़ा आप इसे ज़रा सोचें, इसमें एक बहुत अच्छा दिमाग है, आप इसे किसी मेथड से नहीं कर सकते, आप इसे ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 16, ये जो 61 है ये बेसिकली आप हमेशा 16 लिख सकते हैं, 52 को 25 लिख सकते हैं उल्टा करके, और 36 लिख सकते हैं और उसको 49 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, डेफिनेटली तो 8 का स्क्वायर होगा नेक्स्ट, तो 88 64, 64 का फिर हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 46। क्या ऑप्शन में 46 ऑप्शन आंसर है, यस 46 है। तो ईजी क्वेश्चन था, हम इसे कर सकते थे बेसिकली, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का था, 61 है, 52 है, 63 है, 94 है, 46 है, ये कोई मेथड से नहीं होगा, ये बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन से होगा। आप ये 16 को अगर आप 61 को अगर आप इसका आप डिजिट को आप चेंज कर दें, इसे आप उल्टा लिख दें, तो 16 हो गया, ये 25 हो गया, ये 36 हो गया, ये 49 हो गया, ये 40, तो ये 49 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, लेकिन हमें 64 को 64 नहीं लिखना है, ऑप्शन में देखेंगे तो 64 भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें 64 हमें नहीं लिखना है, हमें 64 को उल्टा करके 46 लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 में आ जाते हैं, 2 3 10 29
66। तो सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम बेसिकली, तो इसमें हम कर सकते हैं मतलब 2 3 एक का गैप, 7 का गैप, मतलब ये कुछ मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब है बेसिकली ये इस क्वेश्चन में हम बस, ये लेवल 2 है तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली हैं। इसमें हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, देखिए आप क्या देख सकते हैं आप इसमें, अगर हम 0 का स्क्वायर करके 2 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 1 का अगर हम सॉरी 0 का क्यूब करके अगर हम 2 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्यूब करके अगर हम 2 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम 2 का क्यूब करके अगर हम 2 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 10 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आप, ये 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 2 29, ये 66 में क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66। तो मतलब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था, हमें नेक्स्ट पता करना था। तो हम देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5, ये तो ये 0 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या होगा 5 का क्यूब प्लस 2, आपसे कहा था कि क्यूब रूट याद करिएगा, तो 5 का क्यूब 125 होता है और प्लस 2 कितना हो गया 127। क्या ऑप्शन है 127 ऑप्शन में है? यस डेफिनेटली 127 ऑप्शन में है, तो आंसर 127 हो गया, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन लेवल सेकंड के, मैं इसके बाद लेवल थर्ड भी लाऊंगा डेफिनेटली। या ओके, बाय बाय, टेक केयर।